गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमी एस मायू। मैं हूँ लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ लहंगा का रिव्यू शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने कभी लहंगे का रिव्यू नहीं शेयर किया था, आज मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत ही खूबसूरत और अफोर्डेबल लहंगा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ये है लहंगा जो कि मैंने मिंत्रा से मंगवाया है। कुछ इस तरीके का ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन में लहंगा है और बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉटम पार्ट दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का लहंगा मिल जाता है, सेमी स्टिच्ड है, आपको साइड से ही बनवाना पड़ेगा, बाकी का ये पूरा बना हुआ है, सेमी स्टिच्ड है ये लहंगा। ये कुछ इस तरीके का है, ये देखिए ऊपर से ऐसा है एंड नीचे में हेम मिल जाता है, अच्छा खासा फ्लेयर, ये इतना सा फ्लेयर मिल जाता है ना। एंड कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है नीचे के साइड में एंड ऊपर के साइड में, ये इतना छोटा छोटा सा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका हेम इतना हेम नहीं है, ये पूरा मैं दिखा रही हूँ ओपन करके, तब आपको लग रहा होगा इतना ज्यादा है। ये फोल्ड करने के बाद इतना हेम मिल जाता है। अभी जब मैं ट्राई करके दिखाऊंगी तब आपको हो सकता है बहुत अच्छे से समझ में आए। एंड ऊपर की साइड में ये इतना वेस्ट पार्ट मिल जाता है, जिसका आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकती हैं जितना आपको वेस्ट चाहिए। इसके साथ जो चोली है ये कुछ इस तरीके की ब्लू कलर की है, सेम कलर की, इसमें कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है चोली में, फ्रंट में मिल जाता है एम्ब्रॉयडरी। एंड ये जो नीचे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, ये स्लीव पे आएगा आपके, एम्ब्रॉयडरी जो है ये पूरा फ्रंट में आपके आएगा इस तरीके से, ऐसा एम्ब्रॉयडरी। एंड बैक इसका प्लेन दिया गया है, बैक के लिए कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हो रखा है, ओनली फ्रंट में एंड स्लीव पे आपको इसी तरीके का छोटा छोटा सा एम्ब्रॉयडरी मिल जाता है। एंड नेक पे इस तरीके से डिटेलिंग किया गया है और यहाँ पे छोटा छोटा सा, एंड नीचे के साइड में इस तरीके से रेड एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। सो ये है ब्लू कलर का लहंगा एंड चोली। अब चलिए इसको दुपट्टा देख लेते हैं। ये है मितेरा से, ये रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, इस तरीके की रेड कलर की चुन्नी मिल जाती है। चुन्नी की लेंथ बहुत छोटी नहीं है, एकदम ठीक है, उस तरीके से नहीं है जैसे ब्राइडल लहंगे या फिर हैवी लहंगे की जैसे चुन्नी होती है, उस तरीके की चुन्नी नहीं है, बट ये बहुत छोटी भी नहीं है। आप किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए या फिर कहीं एज अ गेस्ट पहनना चाहती हैं ये लहंगा, तो उसके लिए ले सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से लेस मिल जाता है ये गोटा, एंड नेट का चुन्नी है, रेड कलर की है ये कुछ इस तरीके की चुन्नी मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग बताइएगा ये चुन्नी कैसी लग रही है। ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन है लहंगा, अच्छा लग रहा है। ये मुझे 974 में मिला है, तो अंडर 1000 है और अच्छा है। इसकी फेब्रिक का मटेरियल है सिल्क ब्लेंड एंड इसका मटेरियल है ये तो नेट है, आप लोग देख ही रहे हैं, एंड अच्छे क्वालिटी का नेट है, खराब नहीं है। फेब्रिक भी गुड क्वालिटी का है एंड अफोर्डेबल भी है। सेमी स्टिच्ड है ये, आपको साइड साइड में स्टिच करवाना पड़ेगा। एंड ब्लाउज अन स्टिच्ड है, तो ब्लाउज आपको पूरा बनवाना पड़ेगा, तो 1000 का लहंगा है, 600-700 इसका बनवाने में चार्ज आ जाएगा। अगर आपको सही लगता है तो मैं इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकती हैं। अगर आप और भी लहंगों का रिव्यू देखना चाहती हैं मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर लहंगे का रिव्यू शेयर करूंगी आप लोग के साथ। आपको किस तरीके का देखना है, एम्ब्रॉयडर्ड, नेट का, सीक्वेंस वर्क का, जो भी आपको देखना है आप मुझे बता दीजिए कमेंट, मैं जरूर शेयर करूंगी, आप लोग की फरमाइश जरूर पूरी करूंगी। सो फटाफट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ आपसे एक नई शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।